देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। तो ये ग्वालियर दौरे पर हैं, आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में वो शामिल हुए हैं। कोरोना की स्थितियों की समीक्षा करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है, क्योंकि ग्वालियर चंबल इस रीजन में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में वहां पहुंचकर स्थितियों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं। इस दौरान मंत्री इमरती देवी, भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। आज ग्वालियर पहली बार आना हुआ है, अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद, और आज का दौरा केवल कोरोना की समीक्षा और आगे आने वाली परिस्थितियों पर विचार करके कैसे इसको नियंत्रित करेंगे, केवल इसी के लिए है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी साथ हैं। अब तक जहां पूरे देश में 8,20,916 पॉजिटिव केस है, मध्य प्रदेश में कुल 17,201 पॉजिटिव केस है, लेकिन उनमें से भी 12,679 स्वस्थ होकर जा चुके हैं। हमारी रिकवरी रेट, मतलब स्वस्थ होने की दर, बड़े राज्यों में हम दूसरे नंबर पर है, उसमें 73.71% है। अभी मध्य प्रदेश में एक्टिव केस कुल मिला के 3,878 है, लेकिन पूरे प्रदेश में हमने जो कोरोना के एक्टिव केस हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ेगी अगर पीक पे पहुंचेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए लगभग 35,000 बिस्तरों की व्यवस्था हमारी पूरे प्रदेश के अस्पतालों में है, और हमारी तैयारी अगर जरूरत पड़ी, भगवान ना करे जरूरत पड़े, तो 83,000 बिस्तरों तक जाने की है। अगर आप देखें अन्य राज्यों की तुलना में, मैं बड़े राज्यों की बात कर रहा हूँ, छोटे नहीं, मध्य प्रदेश का कुल पॉजिटिव केसों में स्थान 12वां है। पहले कभी हम चौथे पांचवें नंबर पर हुआ करते थे, और अगर आप एक्टिव केसों की दृष्टि से भी देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति बाकी राज्यों से, भगवान करे बाकी राज्यों में भी स्थिति अच्छी हो, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से काफी बेहतर है। पिछले दिनों, एक तो तब जब प्रवासी मजदूरों का आना प्रारंभ हुआ, मैं विशेषकर ग्वालियर संभाग के संदर्भ में कहना चाहूंगा, जब इंदौर उज्जैन और भोपाल में बड़ी संख्या में पॉजिटिव प्रकरण आ रहे थे, तब ग्वालियर में बड़ी नगण्य संख्या में इस तरह के प्रकरण आए कोरोना के, और उनमें से भी लोग स्वस्थ होकर चले गए। लेकिन पिछले एक सप्ताह से, विशेषकर आसपास के राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से,
क्योंकि वहाँ संक्रमण ज़्यादा था, आने के कारण पहले मुरैना में और मुरैना के बाद ग्वालियर में पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं। हमने पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यवस्था की है, किल कोरोना अभियान चलाया है, जिसमें हमने तय किया है कि प्रदेश की पूरी आबादी 750 करोड़, मतलब प्रत्येक घर का सर्वे करेंगे, और सर्वे में अगर सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण पाए गए तो फिर सैंपल लेंगे, सैंपल लेकर टेस्ट करेंगे। कल तक लगभग 5.5 करोड़ लोगों का सर्वे हो चुका था, कुछ पॉजिटिव प्रकरण उसके कारण बढ़े क्योंकि हमने सैंपल लिए जहां भी लक्षण मिले, और जो पॉजिटिव पाए गए उनका इलाज शुरू किया। तो उसके कारण प्रदेश के तकरीबन हर एक जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं, लेकिन वो अच्छी बात इसलिए है कि समय रहते पहचान लिए गए कि इनमें संक्रमण है, अगर नहीं पहचानते और वो घूमते फिरते रहते तो बाकी कई को और संक्रमित करते। चलिए एक बड़ी खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान का देखिए। इस दौरान बड़ा बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर दौरे पर हैं कि कल होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जिसका इंतजार है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ इसके बाद सबकी निगाहें थी कि आखिर किसको कौन सा विभाग मिलता है, तो कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान कि कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। हालांकि देखिए इस बीच कैबिनेट की बैठक भी रखी गई थी, ऐसा माना जा रहा था कि उससे पहले विभागों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन वो वर्कआउट लगातार जारी था, एक्सरसाइज लगातार जारी थी, और इस बीच कैबिनेट की बैठक भी रद्द हुई। तो एक बड़ा बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान का कि विभागों का बंटवारा कल होगा, तो काफी गहरा इसमें मंथन चला है। दिल्ली में भी लगातार बैठकें हुई, केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल आए, और भोपाल आने के बाद उन्होंने कहा कि अभी और वर्कआउट करना है। और इसी बीच देखिए एक बड़ा बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान का कि कल विभागों का बंटवारा होगा। प्रहलाद सेन संवाददाता अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, और क्या कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही? देखिए आज ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं पहुंचे हुए हैं। इस दौरान जब वो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तो पत्रकारों ने सवाल किया कि विभागों के बंटवारे में देरी क्यों हो रही है, तो उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं कल जाकर भोपाल में विभागों का बंटवारा कर दूंगा। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा, इसको लेकर तमाम मंथन और चिंतन हो चुका है और देखना होगा कि किसको क्या विभाग मिलेगा। हालांकि इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि कोई टकराहट है या ऐसी कोई बात है, लेकिन उन्होंने साफ तरीके से बिल्कुल प्रसन्न चित्र मुद्रा में ये बात कह दी कि कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा। जिसके बाद वहां मौजूद तमाम जो मंत्री थे, चाहे वो बात करें कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी सुमन, और जो राज्य मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो ये मुख्यमंत्री का साफ यहाँ पर स्पष्ट किया है कि कल विभाग बंटवारा हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रहलाद, और इंतजार है विभागों के बंटवारे का, और उन मंत्रियों को भी इंतजार है कि आखिर उनको कौन सा विभाग मिलेगा। तो प्रहलाद, क्या हम इसको पक्का समझे कि कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा? मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से कह दिया कि कल विभागों का बंटवारा होगा ही, लेकिन इसको हम कन्फर्म समझे ना? बिल्कुल, जिस जो अंदाज में उन्होंने कहा है वो वक्त जब उनसे ये सवाल हुआ और वो जब उठे और हंसते हुए उन्होंने कह दिया कि कल विभागों का बंटवारा होगा, और ये बिल्कुल पक्की बात मानिए तो ये बिल्कुल स्पष्ट कि कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा। और जो तमाम खींचतान की बातें चल रही थी उसका भी पटाक्षेप हो जाएगा कि किस तरीके से किसको क्या विभाग मिलना है, सिंधिया खेमा कितना हावी रहेगा, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संगठन ने प्री होल्ड दिया है, जिसको जो विभाग वो देना चाहते हैं वो देंगे। लेकिन जिस तरीके का अंदाज उनका था बोलने का, उससे स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ में ही है इसे क्या विभाग देंगे, ये उनके हाथ में है। ये सब दिखाई दे रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बोलचाल की स्टाइल से समझ में आ रहा था। जी बिल्कुल प्रहलाद, और संगठन से भी काफी चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रहलाद हमारे संवाददाता जुड़े थे। आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने कहा कि कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस घड़ी का
इंतजार था और लगातार इसमें ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्यों ये पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार कांग्रेस विपक्ष भी यहाँ पे सवाल उठा रही थी कि आपसी खींचतान की वजह से इतनी लेट लतीफी हो रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया कि कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा, अब ये देखना होगा कि किसको कौन सा विभाग मिलता है। इस वक्त बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे साफ कह दिया कि कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा, जिसका इंतजार था, कल का दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कल से पहले भी हो सकता है। और मुख्यमंत्री जितने रिलैक्स लगे, आज मैंने देखा उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को, हमने जिस तरह से देखा ग्वालियर में, तो आज वो एकदम रिलैक्स मोड पे थे और बहुत ही मतलब कोई जो एक मंथन के बाद पूरा विचार विमर्श हो जाने के बाद जो एक ठहराव रहता है, वो ठहराव उनके चेहरे पर नजर आ रहा था और बड़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा थी और एक जिसको कहते हैं एक शांति भी थी चेहरे पर, कि जो बीच में एक कहीं ना कहीं उनको भी एक चीज परेशान कर रही थी कि आखिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि चीजें एकदम किनारे तक आ गई हैं और हो सकता है कि आज देर रात तक ही कोई सूचना मिल जाए और कल की बात तो उन्होंने की ही है, लेकिन फिर भी राजनीति राजनीति है करिश्मा, और इंतजार तो हम करेंगे, लेकिन आज ऐसा जरूर लगा कि बात अब किनारे तक पहुंच चुकी है और ये मसला इतना भी लगा कि दिल्ली में ही कहीं अटका था और दिल्ली से ही क्लियरेंस हुआ है। सिंधिया जी की जो भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद, संगठन के प्रमुख व्यक्तियों से चर्चा के बाद दिल्ली में, चाहे वो जेपी नड्डा साहब हों या नरेंद्र सिंह तोमर जी हों या प्रहलाद पटेल साहब हों जो मध्य प्रदेश से आते हैं केंद्रीय कैबिनेट में, उनसे चर्चा के बाद ये सूची फाइनल हो गई लगती है। और मुझे लगता है कि अब हमें और मंत्रियों को, हमसे ज्यादा तो मंत्रियों को इंतजार है और जल्दी ये सूची सामने। जी बिल्कुल, अब उसका ही इंतजार है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि आज शाम तक ये लिस्ट सामने आ जाए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आज इस पर फैसला लिया जाता है या फिर कल ये सूची आती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान सामने आया है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल हो सकता है। हालांकि देखिए, अब सिर्फ अब अनुमान ही लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी खबरें थी सूत्रों के हवाले से कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन लगातार इसमें कहीं ना कहीं लेट लतीफी हो रही थी। ऐसे में आज जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से क्लियरेंस मिल चुका है, इसलिए अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारा जो होना था वो आज शाम तक भी हो सकता है या कल भी हो सकता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के दौरे पर हैं, कोरोना की स्थितियों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे और जब वो प्रेस के साथ मुखातिब हुए तब उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ लेकिन इसके विभागों का बंटवारा कल होगा। और इसलिए ग्वालियर में भगवान न करे वो भी हो, लेकिन कुल 3 मृत्यु हुई है, उनमें से भी एक तो माँ ऐसी थी जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा की थी और उसका कारण भी कोविड नहीं बाकी दूसरी चीजें होती है, लेकिन फिर भी अभी 436 केसेस है, 2000 बिस्तरों की उपलब्धता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रही हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल होगा। बहरहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्थितियों को, थोड़ा सा लेट लतीफी यहाँ पे हुई है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा मंथन भी हुआ है, क्योंकि एक तरफ है सिंधिया खेमा जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह तो मिली। मैं कह रहा हूँ, कह दूं कल कर दूंगा। ये देखिए किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि कल कर दूंगा, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किसको कौन सा विभाग मिला है, इस पर फाइनल मुहर लग चुकी है। अब ये भी हो सकता है कि आज शाम तक हमें ये सूची मिल जाए कि किसको कौन सा विभाग मिला है, या कल तक भी, जैसा कि उन्होंने कहा कि कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा, तो थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, लेकिन ये एक बड़ा बयान हम मान सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिए इस पे सवाल उठ रहे थे कि इतनी लेट लतीफी कहां, आखिर पेंच फंसा हुआ है। लेकिन अब क्या ये माने कि दिल्ली से क्लियरेंस मिल गया या जो सिंधिया खेमा है जो मंत्रिमंडल में जो शामिल हुआ है, ऐसे में समन्वय यहां पे बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी खींचतान की भी वजह थी। कल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक बार फिर से सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा।
मेरा काम है आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं कल कर दूंगा, आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं कल कर दूंगा, वो मेरा काम है आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं कल कर दूंगा, आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं आज ग्वालियर में कह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कल हो जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। ये एक बड़ा बयान और इसका इंतजार है कि देखिए अब लगभग ये मान ले, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं मुस्कुराते हुए, और जैसे ही उन्होंने ये कहा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी वहां पर मौजूद थे, वो भी मुस्कुराए, मंत्री इमरती देवी भी थी, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आई, क्योंकि मंत्रियों को भी इंतजार है कि आखिर उनको कौन सा विभाग मिलेगा। तो ये कयास है कि आज शाम तक या कल तक क्लियरेंस मिल जाएगी, हालांकि दिल्ली की तरह दिल्ली से पूरी क्लियरेंस मिल चुकी है और ये साफ हो जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है।